गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपन क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने फिशेज के स्केल्स एंड फिन्स के बारे में स्टडी करा था। अब हम उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम उसके एक्सटर्नल फीचर के बारे में पढ़ लेते हैं कि फिश में कौन कौन से एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर एक जनरल फिश की बात की जाए तो दिस डायग्राम शोज द एक्सटर्नल फीचर एंड दिस शोज द इंटरनल फीचर ऑफ द फिशेस। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करें इसके अंदर माउथ की, देन आई की, देन फिन्स की। तो फिन्स इसके अंदर ये डॉर्सल स्पाइनी फिन है, इसके अंदर ये डॉर्सल फिन है, इसके बाद ये कॉडल फिन है जो हमने पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। ये इसके अंदर पेल्विक फिन है, पेल्विक, पेक्टोरल, डॉर्सल, दीज आर द एक्सटर्नल फिन्स प्रेजेंट ऑन द फिश। दिस इज ऑपरकुलम वेयर द गिल्स आर प्रेजेंट, एंड दिस लाइन present in on this fish is called lateral line system of the fish. This is the lateral line system. These the eyes and nostrils or nares are present upper the mouth. This is the external feature of the fish, and this is the this diagram shows the internal feature. इसके अंदर अगर हम देखें तो ये brain present होता है इसके अंदर। This is the vertebral column or spinal cord. इसके नीचे यहाँ पे ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसके अंदर जो ओपरकुलम पार्ट वाला पार्ट है, इसके अंदर गिल प्रेजेंट होता है। इसके नीचे यहाँ पे ये वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर यहीं पे अगर हम बात करें तो स्विम ब्लैडर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसको अगर क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो हम देखेंगे कि किन फिशेस के अंदर स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गोनैड, दिस इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज द डाइजेस्टिव पार्ट, इसके अंदर इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर प्रेजेंट होता है। दिस इज द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फिश। नेक्स्ट चलते हैं हम अब जनरल करेक्टर्स ऑफ द फिश, जिसके अंदर एक फिश के जनरल करेक्टर क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट सबसे पहले हम देखें कि ये जो फिश है उसके अंदर सिलूरियन पीरियड और पैलियोजोइक इरा के अंदर ये इवोल्व हुए, और डिवोनियन पीरियड में इनके अंदर इनका नंबर बढ़ गया, और इसीलिए इस एज को, डिवोनियन पीरियड को हम एज ऑफ फिशेस कह सकते हैं। तो एज ऑफ फिशेस जो है वो कौन सा पीरियड होता है? डिवोनियन पीरियड। अब आते हैं इसके अंदर जनरल फीचर्स। इसके अंदर सारी की सारी फिश जो है वो एक्वेटिक होती हैं, एक्वेटिक, दे ऑल आर एक्वेटिक एंड कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स। इधर बॉडी को अगर हम डिवीजन की बात करें तो ये हेड, ट्रंक एंड टेल के अंदर डिवाइडेड होती है, नेक इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती। इसकी शेप स्पिंडल शेप होती है, और इट इज हेल्पफुल इन द स्विमिंग। इसके अंदर स्विमिंग, इसके स्विमिंग इज द बेसिक करेक्टर ऑफ द फिशेस। और बॉडी इज कवर्ड बाय द स्केल्स जो हमने पढ़े पहले। दे आर प्लेकॉइड स्केल, साइक्लॉइड, टेनियॉइड, जिनके बारे में हम पहले वाले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं। रेस्पिरेशन होता है बाय द गिल्स। गिल्स आर द एक्सपेंशन ऑफ द फेरिंग्स। फेरिंग जो लोअर एनिमल्स के, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखे थे कि उनके अंदर फेरिंग्स प्रेजेंट होता है। इन इलैश्मोब्रैंका, दिस इज द क्लास ऑफ द फिश, इलैश्मोब्रैंका फिशेज, द गिल विल ओपन सेपरेट। इन बोनी फिशेज द गिल्स आर कवर्ड बाय द ओपरकुलम। ये डिफरेंस होता है बोनी फिश एंड कार्टिलेजनस फिश में। ऑन द हेड ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट, हमने एक्सटर्नल फीचर में देखे थे, एंड लेटरल नॉस्ट्रल्स आर, इंटरनल नॉस्ट्रल्स आर एब्सेंट। इन डिप्नोई इंटरनल नॉस्ट्रल्स आर प्रेजेंट। तो तीनों तरह की फिशेज होती हैं जिसके अंदर नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर इंटरनल एब्सेंट होते हैं, और किसी के अंदर डिप्नोई फिश है जिसमें इंटरनल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द बेसिक डिफरेंस और बेसिक करेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन। On the head of the pair of the eyes is present. On the lateral line, it बहुत important है कि lateral line system is present on the fish. These are the sense organs. They detect the pressure changes of the water. Lateral line system के अंदर
यह आता है उसके बाद, इसमें बॉडी जो है पेयर्ड और अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। पेल्विक पेक्टोरल फिन्स आर पेयर्ड, डॉर्सल एंड वेंट्रल आर अनपेयर्ड, एंड मेंटेनेंस दे मेंटेन बैलेंस इन द वाटर, दे आर यूजफुल फॉर द लोकोमोशन। द डाइजेस्टिव सब सिस्टम की बात करें इनके, तो इंटरनल सिस्टम के अंदर सबसे पहले आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर वेल डेवलप होता है, जैसे कि हमने इंटरनल स्ट्रक्चर में देखा, इंटेस्टाइन ऑफ द साक इज कॉल्ड वाल्व इज प्रेजेंट। द नर्वस सिस्टम कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन इज स्मॉल एंड इट इज नॉट ऑक्यूपाइड द एंटायर क्रेनियल कैविटी। इस नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम क्रेनियल की बात करते हैं, तो 10 पेयर्स इसके अंदर क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है। किडनी मेसोनेफ्रिक होती है, यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट। द स्केलेटन ऑफ सम फिशेज इज मेड बाय कार्टिलेज, दे आर कॉल्ड कार्टिलेजिनस फिश। इन सम फिशेज द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, दे आर कॉल्ड बोनी फिशेज। इन सम फ्रेश वाटर फिशेज सेंसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, दे विल टेक अप एरियल रेस्पिरेशन, जिसमें एयर ब्लैडर आता है। इसके बाद आते हैं इसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो सेक्सेस इसके अंदर सेपरेट होते हैं। इन मेल शार्क क्लैस्पर्स आर प्रेजेंट। मैनी फिशेज आर ओविपोजिटर, ये ओविपोजिटर होती हैं, और सम फिशेज आर वीविपेरस। मींस इसके बारे में भी हमने तुम्हें पहले लेक्चर्स में बता चुके हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिशेज एमनियन इज नॉट डेवलप, सो दे आर कॉल्ड एमनियोटिक। इसके बाद आते हैं हम, दीज आर द जनरल करेक्टर ऑफ द फिशेज। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ द फिशेज, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से दिया है, जैसे कि बर्क ने दिया, इसके बाद एस रोमर ने दिया। तो हम जो क्लासिफिकेशन, एक क्लासिफिकेशन को अगर हम पढ़ें, तो हमने यहाँ पे रोमर, एस रोमर्स को डिस्कस किया है इन 1962। इन्होंने सभी फिशेस को जो है वो तीन क्लासेस में बांटा है, ठीक है। एक क्लास जो है प्लैकोडर्माई, दूसरी है ऑस्ट्रेकोडर्माई, और थर्ड है कॉन्ड्रोथिस। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं प्लैकोडर्माई की। प्लैको मींस होता है एफ फ्लैट प्लेट, और डर मींस होता है स्किन। और ये जो फिशेस होती हैं, ये फॉसिल्स फिशेस हैं, मींस एक्सटेंट हो चुकी हैं। दे आर कॉल्ड प्लैकोडर्म्स विच अपीयर ड्यूरिंग द सिलूरियन पीरियड। द फॉसिल्स फिश एग्जिबिट मैनी स्ट्रक्चर पिकुलरिटी एज ए आर इंक्लूड अंडर द प्लैकोडर्माई और एफेस्टोडाई। ये जो प्लैकोडर्म्स होती हैं, ये इनके अंदर एडेप्टिव रेडिएशन बहुत ज़्यादा था, फ्लरिश हुआ इन डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड, बट ऑल ऑफ देम बिकम एक्सटेंट एट द एंड ऑफ द परमियम। द प्लैकोडर्म पजेस मैनी पिक्यूलियर एंड स्पेशलाइज करेक्टर एंड आर रिगार्डेड एज ए प्रोग्निडेटर्स ऑफ द मॉडर्न फिशेज। ऑल्दो द प्लैकोडर्म्स फॉर्म ए हेट्रोजेनस ग्रुप्स ऑफ द फिशेज, द फॉलोइंग फीचर्स करेक्टराइज द क्लास। इसके अंदर जो जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं इस प्लैकोडर्म की, वो हैं बॉडी इज प्रोटेक्टेड बाई ए हैवी आर्मर्ड, इसके अंदर हैवी आर्मर प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इनका नाम दिया है प्लैकोडर्माई। और हायोड आर्च इज अनस्पेशलाइज एंड डज नॉट टेक पार्ट इन द जॉ सस्पेंशन। दीज आर द करेक्टर ऑफ द एक्सटिंक्ट फिशेज। इसके अंदर जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो है द जॉज आर अटैच विद द स्कल बाय देयर ओन प्रोसेस। दिस पिक्यूलर टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट इज कॉल्ड ऑटोस्टाइलिंग। दिस इज सो दैट दे आर कॉल्ड एफिटोहायोडियन कंडीशन। दिस इज एफिटोहायोडियन कंडीशन, सो दे आर कॉल्ड एन एफिटोहाइडिया। द प्लैकोडर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एफिटोहाइडिया। सच टाइप ऑफ जॉ सस्पेंशन इज रिगार्डेड द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ जॉ अटैचमेंट and is regarded as the most primitive type of jaw suspension. The spiracle is typically a gill slit which is present anterior to the unmodified hyoid arch, and the last the fins are usually present. Iske andar अगर इनकी इस क्लास को, प्लैकोडर्माई क्लास को अगर हम ऑर्डर में डिवाइड करते हैं, तो इसके अंदर पांच ऑर्डर हैं, एकेंथोडाई, ऑर्थोडेरा, एंटीआरकी, मैक्रोपिलाची एंड द स्टीगोसिलाची। दीज आर द फाइव ऑर्डर्स ऑफ दिस प्लैकोडर्माई। वी आर नॉट स्टडी हेयर,
दीज क्लासेस हम इनको स्टडी नहीं करेंगे. हम इसके बाद हम सेकंड क्लास की तरफ आते हैं. कॉन्ड्रियोइथिस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिशेस. इथिस मींस फिशेस एंड कॉन्ड्रियो मींस कार्टिलेजिनस. द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कॉन्ड्रियोइथिस फिशेज, द एंडोस्केलेटन इज फॉर्म्ड ऑफ कार्टिलेजन. कार्टिलेजिनस से बना हुआ है. रिसेंटली द बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द वर्टिब्रेट हैज बीन रिपोर्टेड इन द शार्क. प्रेजेंस ऑफ प्लैकोइड स्केल एज ए टूथ लाइक डर्मल एंटिकल्स इन द स्किन. In some, the skin is neck. Presence of operculum, gills are the laminar type. Double nasal opening is present, and tail is usually heterocercal type. Mouth ventral होता है. In living form, the sutures are absent in the skull. Swim bladder absent होता है. Chondroithis fishes को हम two subclasses के अंदर बांटते हैं. एक होती है elasmobranchii, जिसे हम सिलेची भी बोलते हैं, and this is and second is holocephali. These are the two subclasses of chondroithis, जिसको हम डिटेल स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. टू बी कंटिन्यू. थैंक यू.